चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिटिक्स रिएक्शन के बारे में। फिटिक्स रिएक्शन के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारे हैलोरिन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एरल हैलाइड बोलते हैं, उनकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल से करते हैं ड्राई इथर की प्रेजेंस में, और वहां से क्या बनाते हैं, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बनाते हैं। अब कैसे होगा सब कुछ, तो चलिए रिएक्शन के हेल्प से समझते हैं। तो बिल्कुल वीडियो आपको ध्यान से देखना है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले अपना हैलोरिन बना लो। हैलोरिन में आपका क्या होगा, बेंजीनिंग, तो अपनी आराम से बेंजीनिंग बनाओ, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बनाओ, इस तरीके से अपनी बेंजीनिंग बना लो। अब बच्चों के मिनट ध्यान से देखना, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो आपकी बेंजीनिंग मैंने यहाँ पे ओपन करके बना रखी। आपको पता है बेंजीन में आपके 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। अब मान लो आपको बेंजीन में ये वाला कार्बन ही हो गया, यहाँ पे वाला, इस कार्बन के साथ लाके किसी को जोड़ना चाहते हो, तो आपको पता है वो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए, तो यहाँ से आपको किसी को भेजना पड़ेगा। तो मान लो मैं यहाँ से H को निकाल दूँ, जब मैं H को निकाल दूंगा तो इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, भैया वाला कार्बन ये है। अब यहाँ पे आप क्या जोड़ दो, इसके साथ हैलोजन मेंबर जोड़ दो, यानी साथ क्या जोड़ दो, हैलोजन मेंबर। हैलोजन आपके कौन होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट, ये कौन कौन हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके क्या बन जाते हैं, हैलोरिन बन जाते हैं। यानी जब आप बेंजीन में से एक H निकाल के उसकी जगह क्या जोड़ देते हो, हैलोजन मेंबर, तो आपके क्या बनते हैं, हैलोरिन बनते हैं, यानी एराइल लाइट बनते हैं। अब एक मिनट इनकी नेमिंग समझना अच्छे से, नेमिंग समझने इनकी जरूरी है बहुत ज़्यादा। तो इनका देखो आईपीएससी नेम, आईपीएससी नेम हम कैसे लिखते हैं, आईपीएससी नेम में बच्चों हम चलते हैं इस साइड से, पहले हम लिखते हैं हैलोजन मेंबर, और हैलोजन मेंबर को बच्चों हम आईपीएससी नेम में लिखते हैं हेलो, यानी इनकी एंडिंग किससे करते हैं, ओ से करते हैं। यानी जैसे आपके यहाँ एक्स है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी एंडिंग हम ओ से करते हैं, किसमें बच्चों, आईपीएससी नेमिंग में। तो जैसे फ्लोरीन को हम लिखते हैं फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो लिखते हैं, ऐसे लिख दिया आपने हेलो। फिर इसके बाद बच्चों आप लिख दो बेंजीन, यानी इसको हम लिखते हैं एरीन, एरीन, एरीन वर्ड रिलेट करता है बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। तो बेंजीन आपका क्या बच्चों, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो है, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन है और आपका क्या एरोमेटिक होता है, तो यानी आपको ऐसे चलना है हेलो एरीन। अब कॉमन नेमिंग, आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाई होगी इनकी कॉमन नेमिंग, अब कॉमन नेमिंग हम किस सीख रहे हैं, इसका भी आपको रीजन पता चल जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो कॉमन नेमिंग में हम चलते हैं इस तरफ से, पहले हम लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे बच्चों हम इसको लिखते हैं एराइल, बेंजीन को यहाँ पे क्या लिखते हैं एराइल। अभी एराइल क्या चीज़ है बच्चों, जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक एच निकाल देते हैं ना, तो हमारे क्या बनते हैं, एराइल ग्रुप बनते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट देखो, ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन थी, बेंजीन, इसमें से हमने एक एच निकाला था, तो हमारा क्या बच गया था भाई, देखो ध्यान से, एक एच निकालने के बाद ये बच गया था हमारा, कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया था, और भाई यहाँ पे हाइड्रोजन कितने रह गए थे, यानी कार्बन तो फिर भी 6 थे, हाइड्रोजन कितने रह गए थे, 5, कार्बन का एक बॉन्ड फ्री। तो ये वाला जो एराइल ग्रुप है, इस वाले एराइल ग्रुप को हम बोलते हैं फिनाइल। ध्यान समझ लो सारी चीजें भाई, जैसे एल्काइल ग्रुप होता है, जब हम एल्केन में से एक एच निकालते हैं तो हमारे एल्काइल ग्रुप बनते हैं, मीथेन में से निकालते हैं मिथाइल, बहुत सारे एल्काइल ग्रुप होते हैं नहीं, तो ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे, तो एराइल ग्रुप भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन बस हम यहाँ पे ज्यादातर इसे ही पढ़ते हैं बेंजीन वाले को। तो जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक एच निकालते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, एराइल ग्रुप, और एराइल ग्रुप में यहाँ पे बच्चों एग्जांपल हो गया हमारा फिनाइल, यानी बेंजीन में से एक एच निकाल तो हमारा फिनाइल बन गया, C6H5 आपका क्या होता है, फिनाइल। तो एराइल, फिर इसके बाद बच्चों यानी पहले इधर से चलते हैं कॉमनिंग में, तो एराइल, फिर इसको लिखते हैं हैलाइड, हैलाइड से देख लो, यानी एंडिंग करते हैं हम आइड से। तो बच्चों फ्लोरीन को हम लिखते हैं फ्लोराइड कॉमनिंग में, इसको क्लोराइड, इसको ब्रोमाइड, इसको आयोडाइड। अब बस इसके बाद तो सब कुछ आसान है, अब आपको क्या करना है बच्चों, इसकी रिएक्शन सिंपली उठा किसके साथ कर दो, सोडियम मेटल से कर दो Na, और यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं हैलोरिन के, और 2 ही आपको सोडियम लेने पड़ेंगे, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी भाई, ड्राई इथर की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होगी। अब इसके बाद आपको ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, तो इसे थोड़ा ओपन करके लिख लेते हैं, ओपन में बता रहा हूँ कैसे। तो देखो आपके पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, पहले 1 मॉलिक्यूल बना लो, पहले अपना 1 मॉलिक्यूल बना लो, फिर इसके बाद बच्चों 1 मॉलिक्यूल बना लिया आपने, फिर आपके 2 सोडियम है, तो दोनों सोडियम को अलग अलग करके लिख लो Na, Na प्लस, एक आपका हैलोरिन का मॉलिक्यूल बचा, इसे फ्लिप करके लिख लो, यानी इसे घुमा के लिख लो ऐसे, पहले अपना एक्स लिख लो, फिर अपनी बेंजीनिंग बना लो, ऐसे करके, ऐसे कर लिया आपने, और यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर, शॉर्ट में लिख देता हूँ ड्राई ईथर। तो अब देखो कितना आसान है, अब तो आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, अब तो इसके बाद तो आसान है सब कुछ। तो एक Na इसके एक्स को ले जाएगा, NX, एक Na इसके एक्स को ले जाएगा, तो यहाँ से आपके 2 NX बाहर निकल जाएंगे, यानी -2 NX आपके आउट हो गए यहाँ से। अब इसके बाद क्या बचा बच्चों, देखो ये वाला जो बेंजीन बची, यानी वैसे तो फिनाइल ग्रुप है, इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया भाई इसके जाने के बाद, इस वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी ये और ये आपके आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों बेंजीन आपके आपस में जुड़ जाएंगे, यानी आपके फिनाइल ग्रुप ये ऐसे आपके इस तरीके से जुड़ जाएंगे, तो इसे आराम से इस तरीके से बना लो, ठीक है, तो आपके इस तरीके से जुड़ जाएंगे, और इसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल। देखो 2 हैं डाई, और भाई आपके फिनाइल ही तो है भाई, C6H5 है, ध्यान समझो ये क्या आपका C6H5X है, तो यहाँ पे आपके क्या बनेगा, डाई फिनाइल, इसको हम बोलते हैं डाई फिनाइल, और इसको बच्चों हम बाई फिनाइल बोलते हैं, बाई, 2 के लिए हम बाई वर्ड भी लिखते हैं, बाई फिनाइल। तो देखो कितना इजी था, तो डाई फिनाइल बोल दो चाहे बाई फिनाइल बोल दो, अब इसे तो आप शॉर्ट में समझ सकते हो, तो आपको किसी को करके थोड़ी नहीं दिखाना है, आप तो एकदम कर दोगे, 2X हैं आपके 2 Na, तो 2 ऐसे निकल जाएंगे, 2 NX निकल जाएंगे ऐसे, यानी 2 NA X आपके आउट हो जाएंगे, और ये दोनों आपके बेंजीनिंग आपस में जुड़ जाएंगे, यानी आपस में जुड़ जाएंगे दोनों फिनाइल ग्रुप है जो भी आपके,
तो इस तरीके से इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, बेंजीन और फिनाइल में, जब बेंजीन में से कैच निकालते तो आपका फिनाइल बच जाता है, तो यहाँ पे आपका सी सी कैच फाइव तो है, तो आपका क्या है डाई फिनाइल बन गया, बाई फिनाइल बोल दो। और फॉर्मूला वाइज अगर लिखे तो ये आपका क्या है C6H5, और ये भी आपका क्या है C6H5, तो देखो दो फिनाइल ग्रुप ऐसे, तो ये बन गया आपका। इसके बाद आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप एग्जाम्पल ले लो, मान लो बच्चों आप यहाँ पे क्या ले लो अपना, आपकी बेंजीनिंग होगी, अब आपके और ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम मान लो एक्स, मान लो क्लोरीन, क्लोरीन ले लो, चलो इसका अगर हम IPCC नेमिंग लिखें तो पहले हम किधर चलते हैं, इधर चलते हैं, पहले हम हेलो लिखेंगे, हेलो आपका कौन है क्लोरीन, तो इसकी एंडिंग हम ओसे करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे क्लोरो, एंडिंग ओसे कर दी भाई क्लोरो। फिर आपकी क्या है एरीन कौन है यहाँ पे बेंजीन, तो इसको लिखते हैं बेंजीन सिंपली, तो आपको पता चल गया होगा IPCC नेमिंग तो हम बच्चों बेंजीन को बेंजीन ही लिखते हैं, और बच्चों कॉमन नेमिंग करते हैं, कॉमन नेमिंग हम चलेंगे इस तरफ से, तो पहले से लिखेंगे ये आपका क्या एराइल ग्रुप, यानी एराइल कौन सा ग्रुप है यानी फिनाइल, एराइल में भी कौन सा ग्रुप है फिनाइल, फिनाइल। फिर इसके बाद बच्चों हैलाइड, यानी एंडिंग करेंगे आइड से, तो इसको हम लिखेंगे क्लोराइड। तो ये बच्चों बहुत अच्छे सिखाना पड़ा, जब जाके आपको पता चलेगा। यहाँ पे हम दो लेंगे भाई, प्लस आपका 2Na होंगे और ड्राई इथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, आपको पूरा लिखना है तो मैं टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ड्राई इथर तो 2 यहाँ पे Cl है, 2Na तो 2NaCl आपके आउट हो जाएंगे, यानी -2NaCl यहाँ से आउट हो जाएंगे, और बस ये तो आपस में दो बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगे आप, यानी फिनाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो आप किस तरीके से आपस में जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। तो आपका ऐसे हो गया, ये आपका बन गया डाई फिनाइल। तो कई बार अब तो आपका रिपीट हो गया, दिमाग में भी चढ़ गया होगा डाई फिनाइल या बाई फिनाइल, तो आपकी पूरी बच्चों फिटिक रिएक्शन थी। यहाँ पे आप ब्रोमबेंजीन भी ले सकते हो, जब यहाँ पे क्लोरीन की जब आप ब्रोमीन लोगे तो बस इसका नाम क्या लिखोगे IPCC नेम लिखोगे ब्रोमोबेंजीन, और बच्चों कॉमन नेम लिखोगे फिनाइल ब्रोमाइड, ऐसे आप किसी से भी एग्जांपल ले सकते हो, प्रोडक्ट आपका सेम बनना है डाई फिनाइल या बाई फिनाइल। सो ये बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन, वो वाली वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी पूरी पूरी प्लेलिस्ट। सो बाय, लव यू गाइस।